हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, ये एक्सरे कोर्स की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट नंबर है 1085, रेडियोग्राफिक डेंसिटीज। पिछली वीडियो के अंदर 107 के अंदर आपने बात की थी पांच डेंसिटीज होती है, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इन्हीं डेंसिटीज से रिलेटेड होगी। तो गाइज, अपनी वीडियो भी रेडी हो चुकी है, तो चलिए गाइज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को आप स्टार्ट करते हैं, फाइव रेडियोग्राफिक डेंसिटीज। देखो गाइज, आपने पीछे बात की थी कि रेडियोग्राफिक डेंसिटी एक इमेज में डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करती है, तो अभी ये डेंसिटीज होती कितने टाइप्स की है, तो अपने को पांच डेंसिटीज देखने को मिलेगी, और उनका क्या डेफिनेशन है, उनकी क्या अपीयरेंस है, विद एग्जांपल आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से नंबर वन डेंसिटी कौन सी होगा? जी, एयर डेंसिटी। ये देखो, एयर डेंसिटी का क्या कंसेप्ट है, जस्ट ए सेकेंड मार्कर। एयर डेंसिटी का क्या कंसेप्ट है गाइज, यहाँ देखो, एयर इज हैज़ द लोवेस्ट रेडियोग्राफिक डेंसिटी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सबसे लोवेस्ट रेडियोग्राफिक डेंसिटी जो कि रेडिएशन को अब्जॉर्ब बहुत ही कम करती है, एग्जामिनर घुमा सकता है कि ऐसी डेंसिटी जो ज़्यादा अब्जॉर्ब रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, रेडियो ओपेक या फिर रेडियो लूसेंट, इस टाइप से वो क्वेश्चन घुमा सकता है। तो आप बता सकते हो कि एयर एक ऐसी डेंसिटी है वहाँ रेडियोग्राफिक डेंसिटी लो है, दैट्स वाई वो रेडिएशन को बहुत ही कम अब्जॉर्ब करती है, क्योंकि एयर के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर आ रहा है। ठीक है गाइज, देन एयर इज ऑल्सो नोन एज रेडियो लूसेंट मटेरियल। ये बात पहले बता दी मैंने कि ये एक रेडियो लूसेंट मटेरियल है। और अपने को ये देखो, अपीयरेंस ऑन रेडियोग्राफिक इमेज, ये जो एयर डेंसिटी है अपने को एक रेडियोग्राफिक इमेज में कैसी देखने को मिलेगी, तो जो एयर डेंसिटी अपीयर्स ब्लैक ऑन द रेडियोग्राफिक इमेज। एक आप नॉर्मल एक्सरे देख रहे हो गाइस, जैसे चेस्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, चेस्ट के अंदर अपने को देखने को मिलेगा, आप देखोगे ना लंग्स अपने को ब्लैक ब्लैक दिखेंगे, तो वो इसी कारण दिख रहे हैं, वो वहाँ अपने को एयर डेंसिटी देखने को मिल रही है। दीज बिकॉज मिनिमम, ये बात ये सही रिपीट होगी ना कि ये अपीयरेंस का क्या कंसेप्ट है, ये ब्लैक इसलिए दिखते हैं क्योंकि यहाँ मिनिमम अब्जॉर्प्शन रेट देखने को मिलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ एयर डेंसिटी। एयर डेंसिटी का एग्जाम्पल मैंने आपको चेस्ट का एक्सरे बता दिया, जी अपडोमन का आप एक्सरे करते हैं, मीन जीआई ट्रैक का, उस केस के अंदर अपने को ये डेंसिटी लो देखने को मिलेगी और ब्लैक शेड देखने को मिलेगी एक सिंपल एक्सरे के अंदर। देन उसके बाद थोड़ा सा अपन लेवल अप करते हैं तो अपने को नेक्स्ट डेंसिटी देखने को मिलेगी फैट डेंसिटी। सेकेंड वन इज द फैट डेंसिटी। तो फैट डेंसिटी का क्या कंसेप्ट है, ये देखो, चीज़ का बना होगा बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पार्टिकल्स वगैरह पास होंगे, मीन्स वहाँ कुछ कुछ मास होगा, उस मास का कुछ स्पेस होगा, मीन्स उसकी वॉल्यूम होगी, दैट्स व्हाई आप बोल सकते हैं मास टू वॉल्यूम ऑफ फैट का कंसेप्ट यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना गाइस, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला कंसेप्ट है, बट ये मैंने इसको एडिशनल ऐड कर दिया था। अगर सिंपल देखा जाए तो फैट डेंसिटी एयर डेंसिटी से थोड़ी सी इसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई उसका कुछ मास वॉल्यूम का कंसेप्ट यहाँ ऐड हुआ है। तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ी सी ज़्यादा डेंसिटी एयर में, एयर से ज़्यादा अपने को देखने को मिलेगी। देखो गाइस, अगर एयर ब्लैक दिख रही थी, इसके अंदर थोड़ी डेंसिटी है, तो अपने को ये कैसी दिखेगी, अपीयरेंस क्या होगा इसका, द डेंसिटी अपीयर्स डार्कर देन एयर एंड सीम्स वाइट ग्रेज। ये देखो, जो एयर थी उससे ना कम डार्कर देखने को मिलेगी, अभी मे भी हाँ मे भी हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, मे भी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, व्हाइटिश ग्रे शेड अपने को देखने को मिलेगी। देन उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ फैट डेंसिटी, फैट डेंसिटी के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो अपने को देखने को मिलेगा सॉफ्ट टिश्यू, ऐसे सॉफ्ट टिश्यू, उसके बाद मसल्स का रीजन हो गया, जैसे लीवर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ये सारे क्या एक फैट टिश्यू है, वो अपने को कैसे देखने को मिलेंगे, एयर ब्लैक सी, तो ब्लैक से थोड़ा सा ऊपर जाके अपने को व्हाइटिश ग्रे शेड अपने को देखने को मिलेगी, मीन्स ग्रे शेड देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी। अभी देखो भाई, सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी का क्या कंसेप्ट है, यहाँ सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी हैज ए हाईएस्ट एक्वेस। सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी का बोल सकते हो एक्वेस, मीन्स बोल सकते हो कुछ वाटर कंटेंट यहाँ थोड़ा सा एड ऑन हो जाएगा। पहले क्या था, एयर, एयर के बाद फैट, फैट के बाद सॉफ्ट टिश्यू, मीन्स फैट के बाद अभी आ रहा है अपना वाटर वाला एक्वस डेंसिटी आ रही है, और ये जैसे मोस्टली अपने को वाटर या कोई फ्लूड बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अपने को एक एक्सरे इमेज के अंदर कैसी इसकी अपीयरेंस होगी, तो सॉफ्ट टिश्यू अपीयर्स लाइटर एंड मीडियम ग्रे, अपने को क्या देखें, वो वाइटिश थे ना, वाइटिश ग्रेस टाइप से, उनसे थोड़ा सा और शेड में देखने को मिलेगा, मीन्स अपीयर्स लाइटर एंड मीडियम ग्रेस, क्या है, अपीयर्स लाइटर एंड मीडियम ग्रेस। ठीक है गाइज, जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ एक्सरे किया होगा, जैसे न्यू उसके प्लूरल इफ्यूजन के पेशेंट्स आते हैं चेस्ट रीजन के अंदर, या फिर अपडोमन रीजन का आपने देखा होगा, या फिर यूरिनरी ब्लैडर का आपने एक्सरे देखा, उसके अंदर अपने को वहाँ एक शेड अलग ही देखने को मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर का रीजन हो गया, या फिर इफ्यूजन प्लूरल इफ्यूजन वाला चेस्ट के अंदर पानी भरा हो तो वो प्लूरा जो लेयर होगी उसके अंदर अपने को थोड़ी सी हल्की हल्की लेयरिंग एक एयर से और उसके फैट की लेयर, उसके बाद अपने को कुछ एक देखने को मिलेगी जैसी मीडियम और ग्रे शेड सी देखने को मिलेगी। देन गाइज, अपना नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो जैसे हार्ट का रीजन हो गया, हार्ट के ब्लड्स वगैरह देखने को मिलता है, फ्लूड फिल्ड कैविटी होगी, अपडोमन का रीजन हो गया, इस रीजन्स में अपने को क्या देखने को मिलेगा गाइज,
ये सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी देखने को मिलेगी, जो कि जो पिछले डेंसिटी है उससे थोड़ी सी डेंस होनी, यहाँ ना लेवल अप होना स्टार्ट हो गया है। देन उसके बाद अपने को बोन डेंसिटी, अभी यहाँ देखो इस बोन डेंसिटी का क्या कंसेप्ट देखने को मिलेगा। बोन डेंसिटी आता हाई हाईएस्ट डेंसिटी मटेरियल दैट सीन इन योर बोन। बोन्स का थोड़ा सा थिक पार्ट आ गया बॉडी का, मीन्स एक हार्ड पार्ट आ गया, और ये मोस्टली कैल्शियम वगैरह से बना होता है गाइज, और ये रेडिएशन को भी ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। जो भी सॉफ्ट टिश्यू जो पिछले अपने तीन कंसेप्ट बात की उससे ज़्यादा रेडिएशन यहाँ अब्जॉर्ब करता है, और ये अपीयरेंस कैसी होगी अपने को एक एक्सरे के अंदर, वाइट अपने को बोन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर देता है। एटेन्यूएशन इन बोन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। बोन्स हैव हायर डेंसिटी बिकॉज ये पार्टिकल्स इनके और हाई एटोमिक नंबर होगा, कैल्शियम का एटोमिक नंबर कितना गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बोन्स कैल्शियम की बनी होगी अगर कैल्शियम का है एक हाई डेंसिटी मटेरियल है। ये देखो भाई, उसके बाद एग्जांपल्स की बात की जाए तो ऑल बोन्स कार्टिलेज रीजन हो गया, कोई भी वस्कुलर कैल्सिफिकेशन होगी, कोई नोड्यूल ट्यूमर सिस्ट हो गया, तो ये अपने को थोड़े से वाइटिस देखने को मिलेंगे। और ये इनका जो मेन जो बोन है, जो ओरिजिनल ऑफिशियल बोन है अपनी बॉडी में, उसके अलावा जो भी पार्ट होगी उसके अंदर शेड की थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन होगी, कैल्सिफिकेशन हो रही है, कोई कैंसर का पेशेंट है या फिर किसी को ट्यूमर वगैरह है या फिर बोन ट्यूमर बोलते एक्स वाई जेड जो भी फैक्टर है गाइज, तो उसके अंदर अपने अलग अलग थोड़ी शेड में डिफरेंस होगा, उसके बेस पर फिर या फिर देखने को मिले ऑस्टियोपोरोसिस के कंसेप्ट हो गए, तो वहां अपने को बोन का कंसेप्ट थोड़ा सा जो ओरिजिनल सेड है ना उससे अजीब सा थोड़ा सा देखने को मिलेगा, तो उससे फिर अपना पता लग जाएगा कि अभी पेशेंट को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है गाइज, देन लास्ट बट नॉट लिस्ट मेटल डेंसिटी। मेटल डेंसिटी एक देखो गाइज, एक बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती, और मेटल डेंसिटी एक ये कौन से रेडियो ओपेक सब्सटेंस होंगे, मेटल क्या एक रेडियो ओपेक सब्सटेंस है, तो ये अपने बॉडी के अंदर बोन से भी ज़्यादा वाइट दिखेगा। आपने कई बार आपने ऐसे एक्सरे किए होंगे जिनको रोड वगैरह लगी हो, डेंटल इम्प्लांटिंग हो, तो नॉर्मल जो बोन दिख रही है उससे ज़्यादा चमकती है ना वो, जैसे हड्डियों में रोड वगैरह डली हो किसी पेशेंट के, तो अपने को देखने को मिलता है किसी को पेस मेकर लगाओ, चेस्ट एक्सरे करते तो अपने को अलग ही वो पेस मेकर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो एक रेडियो ओपेक मटेरियल से बना हुआ सब्सटेंस है। देन उसके बाद कह रहे हैं गाइस की विद एंड उसके बाद अपीयरेंस कैसा होगा, ब्राइट वाइट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ये देखो ऑलरेडी ब्राइट वाइट देखने को मिलेगा, और ये मोस्टली अपने को ना बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, कोई ये फॉरेन मटेरियल बोल सकते हैं इनको, क्योंकि बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, या जो एडिशनल हो सकता है इंटेंसली अंदर डाले गए हो, या फिर एक्सीडेंटली खाए पिए गिटे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई कील वगैरह कई बार ना खा जाते हैं बच्चे वगैरह, एक्स वाई जेड कोई भी फैक्टर हो सकता है गाइस, कोई एक्सीडेंट के अंदर कोई किसी को हुआ कुछ लीकेज जो भी हो सकता है ना, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ, उस लोहे की चीज़ों से वो टकराया या फिर लोहे के कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर रह गए, मतलब तो चीज़ें कुछ ऐसी लूज चीज़ें हो, तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड फैक्टर कुछ भी यहाँ आप पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइज। एंड देन उसके बाद इस मेटल डेंसिटी को फिर रेडियो ओपेक डेंसिटी भी बोला जाएगा। रेडियोल्यूशन डेंसिटी कौन सी थी, रेडियो ओपेक डेंसिटी कौन सी थी, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइज। ठीक है, देन उसके बाद अपने को मेटल डेंसिटी के एग्जाम्पल, तो कुछ यहाँ बेसिक से एग्जाम्पल कवर करते हैं गाइज। ये देखो जैसे मेटल इम्प्लांट्स हो गया, डेंटल इम्प्लांट्स हो गया, जैसे एक्सरे था मेरा तो उसमें उसका था पहले पहली भी इसका था, मैंने उससे पूछा कि आपके पास कुछ तो था है कि नहीं, मेल लड़का था अपनी ही एज का, लगभग था 19 से 20 की एज का, तो उसने अपनी जेब के अंदर ईयरफोन डाल रखी, जैसे मैंने उसको स्कैन किया ना सीआर था वहाँ, स्कैन करते ही मैंने उसको जाते बोल दिया कि आपके जेब में ईयरफोन है उसको निकालो, तो वो मतलब वो चौक वो शोक हो गया वो लड़का, वो कहता है आपको कैसे पता भाई, मैं भाई हमें सब पता है आपके जेब में क्या क्या चीज़ें, आपकी बॉडी के अंदर की चीज़ें हम देख चुके हैं क्या सिस्टम है, तो फिर उसके बाद हमने वो चीज़ें निकलवाई, मीन्स वहाँ क्या था उसकी जेब के अंदर कुछ था भाई, कई बार कोई अपना चेस्ट एक्सरे करते हैं किसी गले में लोकेट हो या कुछ ऐसा धागा उसके अंदर कुछ चीज़ें लगी हो या फिर जेब में कुछ सिक्का वगैरह रह जाता है, तो ये चीज़ आप इसीलिए बोलते हैं ना, आप जिस टाइम आप हॉस्पिटल जाते हो आपको बोलते हैं कि ये चेक करके जाओ या फिर आइए ऐसी जो एडिशनल चीज़ें हैं ये निकाल दो। ठीक है गाइज, देन उसके बाद कुछ ऐसी इंजेक्शन खा पी लिया हो, कोइन हो सकता, कोई सिक्का हो सकता है, कोई नेल्स मेक वगैरह, कोई आयरन की पट्टियाँ पत्तियाँ छोटी मोटी चीज़ें, या फिर आई वी कॉन्ट्रास्ट, ये भी हाई डेंसिटी का सब्सटेंस देखने को मिलता है, जो कि और भी टिश्यू वगैरह ये वैस्कुलर वाले कंसेप्ट में इनको आप स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर जो भी पेस मेकर्स वगैरह लगे हो, इम्प्लांटिंग हो, तो उसके ये कंसेप्ट क्या होगा जी, मेटल डेंसिटी का, जो कि रेडियो पेक है। तो देखो गाइज बेसिकली क्या है, समटाइम बेबीज वगैरह जो छोटे बच्चे वो बात आप कवर कर चुके हैं, तो यहाँ ये कंसेप्ट है कि मोस्टली ये अपने को 5 डेंसिटी देखने को मिलते हैं रेडियोलॉजी के अंदर, या फिर ये सारी डेंसिटीज मिलके अपनी एक फाइनल एक्सरे इमेज बनाती है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अभी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ है।